गूफी अपने हाथी के साथ जंगल में घूमने जाता है। फिर दोनों जंगल में ही बैठकर पिकनिक मनाने लगते हैं। उसी जंगल में एक चीता भी रहता था। है मुझसे वो स्मार्ट, बताओ। वो पेड़ के बीच में गायब भी हो जाता था और उसकी दहाड़ बहुत भयंकर थी, जिसे सुनकर गूफी और हाथी डर जाते हैं और जल्दी से अपना सारा सामान समेट लेते हैं। वो डरते हुए आगे बढ़ते हैं, पर हाथी सुनते हुए आगे जाता है। तभी हाथी अचानक से ब्रेक मारता है, जिसे गूफी नीचे गिर जाता है। फिर गूफी, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। हाथी चीते को देखते ही 9-2-11 हो जाता है, पर चीता गूफी को पकड़कर कभी उसके साथ फुटबॉल खेलता है तो कभी रेसलिंग करने लगता है। फिर चीता गूफी के ऊपर बैठकर उसके पैर में गुदगुदी करने लगता है, जिसे उसकी हालत खराब हो जाती है। गूफी उसके पैर के नीचे माचिस जला देता है, जिसे चीता जोर से चिल्लाते हुए उड़ जाता है। फिर वो गुस्से में उसे पकड़ने जाता है तो गूफी उसे बचकर झाड़ियों में घुस जाता है, जहां वो एक दूसरे को खोजने लगते हैं। चीता उसे पकड़ने जाता है तो गूफी पेड़ पर चढ़ जाता है और हाथी के पीठ पर बैठकर पेड़ में फंस जाता है। गूफी जल्दी से हाथी पर चढ़ जाता है और हाथी चीते से डरकर खुद हवा में लटक जाता है और जोर से चीते के ऊपर गिरता है। चीता गड्ढे से बाहर आकर देखता है कि उसके ऊपर की काली धारियां हाथी के पीठ पर छप गई है।